देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। 30,000 लोगों को ईश्वरीय संदेश। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 72वें जन्मदिन पर गुजरात के गांधीनगर में एक बंजारा समाज द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 30,000 लोगों की मौजूदगी में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, गुजरात बंजारा समाज के प्रमुख गोविंद जी कानू, ब्रह्मा कुमारीज मणिनगर सब जोन प्रभारी बीके नेहा, गांधीनगर सेक्टर 3 के प्रभारी बीके सुनीता समेत कई लोग मौजूद थे। इस खास पल को अविस्मरणीय बनाने के लिए 72 वृक्षारोपण, 72 भूदेव द्वारा रुद्र यज्ञ, 83 बॉटल रक्तदान के साथ 72,000 दिए जलाकर रिकॉर्ड बनाए गए। इस अवसर पर बीके नेहा ने कहा कि यह कार्यक्रम लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा, साथ ही बंजारा समाज को संबोधित करते हुए उन्हें एकता का प्रतीक बताया। समाज में एकता होय छे, एक मत होय छे, एक धर्म में विश्वास होय छे, अने एक भाषा साथे आपणे जोड़ायेला होईए छीए, तो ज्यारे एकतानी आ प्रतिवृत्ति अपना अंग अंग में समाई जशे तो कोई पण स्थान पर कोई पण क्षेत्र में सफलता प्राप्त करवी अघरी नहीं लागे। अने जे व्यक्ति पोताना स्वयं पर राज्य करता सीखी जाए छे, पोतानी स्वयंनी कर्म इंद्रियोनो राजा बनी जाए छे, पोतानी कर्म इंद्रियोने पोताना अनुसार चलावता सीखी जाए छे, ए समाजना कोई पण क्षेत्र में हसे सफलता एना कदम ने सतत चूमती रहसे। इस विशाल कार्यक्रम में तकरीबन 30,000 बंजारा समुदाय के लोग शामिल हुए, जहां बंजारा समुदाय ने गोविंद कानू जी को बंजारा समुदाय का गुजरात का प्रमुख बनाया। आपको बता दें, गोविंद कानू जी लंबे समय से ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सदस्य के रूप में जुड़े हुए हैं, साथ ही प्रतिदिन ईश्वरीय सेवाओं तथा समाज में मानवीय मूल्यों के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। आत्महत्या की रोकथाम के लिए चलाया जागरूकता अभियान। ब्रह्मा कुमारी अध्यार सेवा केंद्र द्वारा आत्महत्या की रोकथाम के लिए लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में इलियट्स बीच पर स्थानीय लोगों के लिए आत्महत्या रोकथाम जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसका विषय रहा गिव योर बेस्ट लिव योर फुलेस्ट। इस आयोजन में ब्रह्मा कुमारी समेत मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट, स्नेहा सुसाइड प्रिवेंशन सेंटर, अन्ना यूनिवर्सिटी समेत अन्य कई संस्थाओं का मुख्य योगदान रहा। कार्यक्रम में विभिन्न कॉलेजों के 300 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। मुख्य अतिथियों में मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर डॉक्टर पी पूर्णा चंद्रिका, तमिलनाडु स्टेट चाइल्ड राइट्स कमीशन की मेंबर डॉक्टर सरण्या जयकुमार, स्नेहा सुसाइड प्रिवेंशन सेंटर की वॉलंटियर गायत्री, अदयार सेवा केंद्र की संचालिका बीके मुथुमणि समेत अन्य कई विशिष्ट अतिथियों ने इन सभी को अपने जीवन में बेस्ट देने के साथ ही जिंदगी को पूर्णतः जीने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान व्यासरपति डॉक्टर अम्बेडकर आर्ट्स कॉलेज के छात्रों द्वारा नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दी गई। वहीं आद्या ग्रुप एवं लीडर्स ग्रुप द्वारा सुसाइड प्रिवेंशन थीम पर योग एवं नृत्य प्रस्तुत किया गया। इसी क्रम में कार्यक्रम के सभी प्रतिभागियों ने इलियट के समुद्र तट पर आत्महत्या की रोकथाम का संदेश देने के लिए बैनर्स के साथ पीस मार्च निकाली। कोलकाता के हिंदुस्तान इंटरनेशनल होटल में बंगा गौरव सम्मान 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को भी मुख्य रूप से आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों के सभी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। वहीं राष्ट्र को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए समाज में दिए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ स्टार्ट रिकॉर्ड्स के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव पाल ने कोलकाता म्यूजियम की प्रभारी बीके कानन को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। रीवा में नगर गौरव दिवस के उपलक्ष्य में कलाकारों के सम्मान में कार्यक्रम एवं संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रीवा नगर के 3 प्रमुख पार्षदों ने भाग लिया, जिसमें वार्ड 18 से अंबुज प्रसाद, वार्ड 19 से समीर शुक्ला, वार्ड 30 से गुल मोहम्मद अंसारी उपस्थित हुए। इसके साथ ही मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक अमित अवस्थी, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष हाजी ए के खान समेत अन्य कई प्रतिष्ठित लोग मुख्य रूप से पहुंचे। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला ने कलाकारों को सम्मानित किया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।